हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते सारिया नू। अज दी नवी वीडियो दे विच बहुत बहुत स्वागत है। अज हैगा एतवार, संडे आ, ते संडे बनाउण लई आपां ले आए हां अंधभक्त पार्ट 4। बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो देख के। जे हजे तक मेरा चैनल किसी ने सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे नू, क्योंकि तुहानू वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली आ। तां आओ देखदे हां अंधभक्त पार्ट 4। पिक्चर चालू करो बे। मजा आएगा ना, पूरा सुनाइए वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनाइए। पूरा पूरा याद नहीं है? है याद, लेकिन ओ चुप कर। जानगर बन नहीं, वंदे मातरम पूरा सुनाइए पूरा। भैया शुरू वाला लाइन हमको मिस्टेक से याद नहीं है। वंदे मातरम सूलम सूलम मनयन शीतलम सत्य सामलम मातरम वंदे मातरम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वंदे मातरम याद है पूरा आपको? वंदे मातरम मतलब गाना, सॉन्ग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए जान मत दे सकते, अभी तक दिखाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आपको वंदे मातरम याद है पूरा? याद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आजादी के दिवस में हम लोग यहाँ पे तिरंगा फहराने आए हैं। घर घर तिरंगा का ये अभियान है। दे 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 आगा पीछा देखकर। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। वाह 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 वाह, Not bad. जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार कूदने में जिनके रिकॉर्ड थे, वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। गजब की बात है, क्या बात है। मोदी जी ने अच्छा किया, भाजपा जो काम कर रही है आज, मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? चलो चार काम करा दो। मोदी जी ने 372 हटाई है। क्या बोला तूने? 372 376 हटाई है। आपको ये भी नहीं मालूम कि 370 और 376 क्या है? गोबर को चमनप्राश समझ के मत खाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आसाराम, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आसाराम अगर जब जेल में जाए ना, तो उनके साथ झासाराम भी जाए। अच्छा, अबे साले, ताकि आसाराम और झासाराम दोनों मिल के आपस में मीटिंग करते रहें और एक से बड़ी बड़ी बातें करते रहें। लेकिन आपके वार रुकवाने वाले पोपो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किए हैं, वो कब जेल जाएंगे? कब जेल जाएंगे बताइए। पार्टी शामिल है, ओ सब पार्टी शामिल है, गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है, पूरा देश नारा लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल छिड़क दिया बीजेपी ने चारों तरफ देश में। उधर देखो उधर, ठीक ही कह रहे हैं। अंजना जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा? जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? ये बड़ी अच्छी बात कही। ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। शाबाश बेटा। मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया, तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दें जाके? अब मैं पूछना चाहता हूँ, अरे साहब अब इतना घबरा क्यों रहे? अभी तो अलायंस चल रहा है आपका। जो आर्मी में नर्सिस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली, कोई पूछने वाला है? ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है, ये केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुसलमान को, एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है, केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है, ये कांग्रेस नहीं। कौन बचा है? कोई नहीं बचा जिसको बीजेपी ने ठगाना हो। बात सही है। को सरकार ने ठगाना हो, किसानों का शोषण हुआ,
मजदूरों का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ। तुम्हें शर्म है कुछ? नफरत फैलाने वालों से लड़ना पड़ रहा है। कौन फैला रहा है? बीजेपी। बात तो सही है। कैसे? अरे ये कैसे पूछ रहे हो मुझसे? कैसे आप ही से तो पूछूंगा, आप ही कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं तो मैं जनता से थोड़ी पूछूं क्यों भाई, कैसे आप बताए। ठीक है, बहुत नफरत फैला रहे हैं। बहुत है? बहुत नफरत। कैसे? बहुत नफरत फैला रहे हैं। कैसे बताऊं मैं? अभी बता दे भाई। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो छुट्टा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई। कैटल अंदर उठा। सरकार बन गई। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से, जिस दिन जान ना चली जाए किसी की। कोई दिन, ये बड़ी अच्छी बात कही है। और कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। आप ट्वीट जरूर करते हो, यहाँ खुला, ये मिला, वहाँ मुझे खुला। ये फंस गया। मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो। पत्रकार हूँ मैं, नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और मेरे को तो सबको फॉलो करते, ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करती रहिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। क्या बात है सर, क्या बात है। कुछ आज की खबर मालूम है? हाँ मालूम है। क्या माननीय श्री जो हमारे मंत्री जी है वो बाहर आ गए? क्या नाम है उनका? एक बार सॉरी, ध्यान दिमाग से निकल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिसोदिया जी। तो ये क्या मामला है यार? मामला कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। बेल तो होनी थी सर, अभी तो केजरीवाल जी बाहर आएंगे। किस तरह से आएगी सरकार है जो चल रही है? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। लेकिन जिस दिन अगर सरकार चेंज हुई और फिर इनके कितने मंत्री जेल में जाएंगे ये अभी तक इन्होंने आंकड़ा ही लगाया होगा। बात तो सही है। सात साल कांग्रेस ने शासन किया, जितने साल भी किया ये लोग बोलते 70 साल, जितने साल भी शासन किया कभी कांग्रेस तक ऐसी राजनीति करी नहीं। समझ गया राम कुमार जी, इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देते मालूम है कि नहीं? कौन सी इमरजेंसी? क्या बोला तूने? ये कौन सी इमरजेंसी लगी बताइए? 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी जो लगाई थी, मालूम था पैदा हुए थे कि नहीं था? सॉरी 1975 नहीं, उस समय में पैदा नहीं हुआ था। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कितना पर्चा जो लीक हो रहा है उस पे कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। 6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल के भर्ती निकली 18 के, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे। बात तो सही है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम होने थे 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। अबे यार एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। यूपीएससी का मतलब तो वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी। बताओ तो लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ? एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, वही कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात अरविंद केजरीवाल कहते थे, उससे दिल्ली वालों को इन्होंने कुछ? हाँ जो बोलते थे वो कहाँ करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। ये मोदी सरकार ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा। ये मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? वो तो खैर जो कर रही है वो तो सही कर रही है। इसे कैसे? और अब तो उनके मंत्री सब जेल जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने भी कुछ कुछ तो हुआ ही होगा जो उनको जेल ले गए? हम और किसी को तो नहीं ले जा रहे, उनको क्यों ले गए? कुछ तो होगा। ए, बोलने दे, बोलने दे। बताओ कि बीजेपी वालों को भी किसी को ले गए आज तक 9 साल? बीजेपी वाले तो चलो हमें उनका इतना वो नहीं, पर हम तो मोदी और योगी जी पे विश्वास करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उनके उनके हमें इतनी गारंटी नहीं है, उनके मंत्री जी जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं जब उनकी पार्टी में आ जाता है सर जांच बंद हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है, उनकी भी चलती है। किसी एक का बता दीजिए। उनकी भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं, इतना डिटेलिंग हमें भी नहीं पता। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। योगी जी कहते हैं गुंडे भाग गए, अपराधी भाग गए। अरे गुंडे भाग गए, अपराधी भाग गए, जब इनका आधा विधायक और सांसद ही गुंडा है तो फिर अपराधी और गुंडे तो इनके सामने भाग ही गए हैं। गजब बेइज्जती है, क्योंकि असली गुंडे इनके विधायक और सांसद बने घूम रहे हैं, तो योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। भगा भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है यूपी के गद्दी में, बाप तुम्हारा बेटा योगी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका एक जुमला खोखला नारा है, खोखला नारा है। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है सिर्फ निष्पक्ष भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमित देवगन? नहीं तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल बोल। और आपको अमित देवगन अब सुन लो तुम अपने बारे में। अमित देवगन कुछ तो अमित देवगन अब सुन लो, तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमित देवगन,
उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो, मैं नहीं सुनने वाला, बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ और बता। थोड़ा मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सारी उम्र मैं झोंकर जब बड़े आरे मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता ये हमारे, है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है। अच्छा, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व पे राज कर रहा है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। कुछ भी, एक दूसरे दो देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। साले का खोपड़ी तोड़ दे। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। अब मोदी जी विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता है ही, वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ जी, तुहानू ये वीडियो किदां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ, जो वधिया लगी लाइक एंड शेयर जरूर करियो। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਾਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।